मुरादाबाद में सब्जी के थोक व्यापारी खासे परेशान है। मुरादाबाद की मंडी रोजमर्रा खाई जाने वाली सब्जियों से भरी पड़ी है, लेकिन मंडी के गोदामों में रखी इन सब्जियों का कोई खरीदार ना आने पर सब्जियां खराब हो रही हैं और फेंकी जा रही है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, मुरादाबाद की सरकारी मंडी के गोदाम में या खराब हो चुकी सब्जियों को आवारा पशु खा रहे हैं। या मंडी समिति के सचिव से यह सवाल किया गया तो उनके अनुसार सब्जी की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है और प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है, और प्रशासन द्वारा सहयोग किए जाने के बाद सभी को डोर टू डोर सब्जियां उपलब्ध की जाएगी। बताते चले कि मुरादाबाद मंडी के थोक विक्रेता भी परेशान हैं। हालात ये हैं कि शहर में 50 रुपए किलो मिलने वाली गोभी मंडी में 50 रुपए में 25 किलो यानी 2 रुपए किलो मिल रही है, फिर भी सब्जियों को फेंकना पड़ रहा है। व्यापारी का कहना है कि गर्मी के मौसम में एक दिन में ताजा सब्जियां खराब हो रही है, गोभी समेत मटर सहित कई सब्जियां फेंकनी पड़ेंगी। मुरादाबाद की मंडी में सब्जी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई इनको खरीदने वाला तो मंडी में आ जाए। व्यापारी ने कहा कि सब्जी की कोई कमी नहीं है, कमी है तो प्रशासन की तरफ से है, वो यहाँ से सब्जी जाने नहीं दे रहे। फुटकर सब्जी व्यापारियों को आने नहीं दिया जा रहा, एक दो फुटकर सब्जी व्यापारी आने दिए गए, वो थोड़ा थोड़ा माल लेकर चले गए। लौकी आज हमने 10 रुपए किलो बेची और खीरा 6 रुपए में बेचा। सारी सब्जियां बहुत मंदी बिकी है, आलू भी बहुत मंदा बिका। व्यापारी के ना आने से अब ये माल तो सारा बेकार हो जाएगा, ये सब गल जाएगा, ये तो हम लोगों को फेंकना पड़ेगा और इसका बहुत नुकसान हो रहा है। और प्रशासन व्यापारियों को आने देता अंदर तो ये सारा माल शहर में पहुंचता तो लोगों को भरपूर सब्जी मिलती, उसमें कोई दिक्कत या किल्लत हमारे शहर वालों को नहीं होगी। वहीं उधर मुरादाबाद मंडी में सब्जियां खरीदने वाले बाइक सवार युवक का कहना था कि महंगाई बहुत है, 40 रुपए किलो गोभी बेच रहे हैं, 100 रुपए किलो आलू, 100 रुपए किलो धनिया है। मुरादाबाद मंडी सचिव अशोक कुमार का कहना है कि प्रशासन द्वारा सहयोग किया जा रहा है, सब्जी को डोर टू डोर सभी को उपलब्ध करवाया जा रहा है, सब्जी लेने में भीड़ ना होने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। ये आपने धनिया फेंका, क्या हो गया इसे? सर ये बेकार हो गया, ये गर्मी खा गए, भपका खा गए, सड़ गया सर। तो अभी तो आपकी आड़त में बहुत सारा धनिया भरा पड़ा है। बहुत सारा है, ये सब सुबह को सब बेकार हो गए, सब डेयर में फेंकना पड़ेगा। ये सिर्फ गल गया है इसीलिए फेंका है आपने? जी सर, गर्मी में जो इस टाइम पर आ गए बेकार हो जाता था। वो भी ये फेंकनी पड़ेगी सर, सब भपका खा कर बेकार हो जाती है, मटर है, आलू भी सब दागी हो जाता, नहीं बिकता, तो ये सब सब्जियाँ सब बेकार हो जाती है इस टाइम गर्मी में आके। तो क्या ये बिक नहीं रही, क्या वजह जो सारा माल ऐसे भरा? इसका कारण सर ये हुआ, सुबह जो प्रशासन जो हमारे व्यापारी बाहर वाले गाड़ी ठोक वाले लेने के लिए आए, किसी भी प्रशासन ने उन व्यापारियों की गाड़ियाँ उनको अंदर नहीं आने दिया, इसलिए कारण हमारी दुकानें भरी हुई है। सब्जी की कोई कमी नहीं है, जो सब्जी की कमी इस प्रशासन ने कराई है, जो यहाँ से सब्जी जाने नहीं दी, व्यापारियों को आने नहीं दिया अंदर, बाहर से अंदर के लिए एक एक दो दो व्यापारी आने दिए, वो थोड़ा थोड़ा माल लेके गए, इसलिए शहर में सब्जी की किल्लत हो रही है, जबकि सारी मंडी सब्जी से फुल भरी हुई है। शहर के अंदर नवरात्रि भी चल रहे हैं जी, जी, और लोगों को सब्जी नहीं मिल रही। लौकी यहाँ पे आज हमने 10 रुपए किलो बेची और खीरा 8 रुपए 6 रुपए किलो बिका, सब सारी सब्जियां इस प्रकार से बहुत मंदी बिकी, आलू भी बहुत मंदा बिका खराब व्यापारी के नहाने से। तो अब ये आज माल पड़ा है, फिर कल फिर आना है माल, ये तो सर अब ये माल सारा बेकार हो जाएगा और ये सब गल जाएगा, ये माल तो हम लोगों को फेंकना पड़ेगा और इसका जो नुकसान बहुत नुकसान हो रहा है, और प्रशासन व्यापारियों को आने देता अंदर तो ये सारा माल शहर के अंदर पहुंचता, दुकानों भरपूर सब्जी मिलती, उसमें कोई दिक्कत या किल्लत हमारे शहर वालों को नहीं होती और सब्जी भरपूर शहर को मिलती। यहाँ इतना माल भरा पड़ा और शहर में माल नहीं है? शहर में माल सर यूँ नहीं है कि यहाँ ये पता होता किसानों के लिए कि साहब कर्फ्यू लगा हुआ है या बिल्कुल ही मंडी बंद है, तो हम उन लोगों को पहले बोल देते कि भाई माल मत लाना, जैसे अब हमने बोल दिया कि भाई माल मत लाना, जब तक मंडी बंद रहे तब तक कोई माल मत लाना, इस बात की उन किसानों के लिए कोई जानकारी नहीं थी, हमें मजबूरी में माल रात उतारना पड़ा, कुछ वापस कर दी हमने गाड़ी साहिबाबाद के लिए, दिल्ली के लिए वापस चली गई हमारी गाड़ी, हमारे नाम पर टैक्स भी बना उसका, तब भी हमने वापस कर दी, क्यों हमारे पास जगह नहीं रही थी, किसान सब यहीं को भाग रहे, कहीं को जा नहीं रहे, पीटे भी ड्राइवर भी पीटे हैं, हमारे किसान भी पीटे हैं रात,
नहीं तो आज दोपहर हो चुकी है, मंडी का समय निकल चुका है, माल जो का तू भरा पड़ा है आपके यहाँ, बचे क्या है? नहीं कोई पैकारी नहीं आया, कोई लेने खरीदारी नहीं आया, अन्न दिया। सुबह पता चला था कि मंडी के गेट से अंदर नहीं आने दिया था, एक एक करके ऐसे कोई आया, वैसे कोई पैकार नहीं आया, कोई सवारी नहीं आई। जब कोई सवारी नहीं आई तो पैकार भी आके गया, पैकार आया भी तो गेट से वापिस कर दिया गया। अच्छा ये बोरियां और गठरी है, धनिया है पूरी एक गठरी, ये गोभी किया क्या रेट होगा इस समय यहाँ पर? तो अब तो 50 रुपए पिन्नी बेच रहे हैं, बिक जाएगी तो। लगभग कितने किलो होगी उसमें? लगभग 25 किलो है, 25 किलो गोभी 50 रुपए में जी। किलो और ये मटर है? मटर ये अब तो मैंने सुबह 10 रुपए किलो का बाट रखा, 10 रुपए किलो भी नहीं बिकी, और अब तो ये पता नहीं किस बिके है या नहीं बिके है। अब ये कल और रुके तो हो सकता है ये उठाएगी और पैसे देने पड़ेंगे इसके। अच्छा मंडी में बहुत सारा माल सब्जी गोभी मटर धनिया फेंका पड़ा है? बहुत फेंका है, आज कम से कम 50,000 रुपए की तादाद में धनिया फेंका गया, और अब ये थोड़ी बहुत देर में आप देख ही रहे हो, 3 फोटो के 50 रुपए दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 100 रुपए दे दो इन 3 फोटो के, खाली किराया दे दो और लेके चले जाओ। खबर ना भैया, अभी मत तोड़वाना किसी का कोई माल भी। हाँ बताओ भैया। देखो गाड़ी की परमिशन मैं नहीं गया यार, सब बड़ी दिक्कत बता रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है, गाड़ी की परमिशन ना मिली तो बताओ कैसे। अब तुम पे रात पिटाई हुई है, बताओ दोनों ड्राइवरों पे हैं, ड्राइवरों पे हमारी पिटाई हुई है रात, पुलिस वालों ने पिटा है ड्राइवरों को, जब माल लेके आए जब जाते पे इधर से। तो भैया जब तक परमिशन ना मिल जाए गाड़ी की तब तक कोई माल लेके मत आना, और फिर अभी किसानों से सबसे मना करते रहना। सही किसानों को भी मारा बताओ, 3 किसानों तक को पीटा रहा, कहाँ की बात है ये, कहाँ की बात है ये, कुनरकी में बताओ, सेपनी कुनरकी धर्मपुर में 3 जगह बताइए। तो भैया जब तक परमिशन देख लो, परमिशन मिल जाएगा गाड़ी की तब तो लाना थोड़ी बहुत सब्जी, ना तो वरना मत लाना है। और जब सही है जब अपना मंडी के अंदर क्या स्थिति है सब्जी की, क्योंकि शहर के अंदर बड़ी परेशानी हो रही है इस समय? मंडी में सब्जी की आपूर्ति कोई कमी नहीं है, और प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग प्रयास किया जा रहा है कि सभी को डोर टू डोर सब्जी उपलब्ध हो जाए, लेकिन सब्जी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं, आज भी आवक काफी है मंडी में। लेकिन सचिन साहब ये देखा गया है यहाँ पर 50 रुपए की 25 किलो गोभी मिल रही है और शहर के अंदर 50 रुपए किलो, बड़ा डिस्टेंस हो गया ये। यहाँ तो होलसेल की मार्केट ठीक है, उस पर हमारा कंट्रोल है यहाँ पे, लेकिन आप ही बता रहे हैं आप तो उस पर भी सभी प्रशासन मिलकर उसको भी व्यवस्थित कराएंगे उसको। शायद शहर के अंदर सब्जी नहीं पहुँच पा रही इसीलिए रेट बढ़ा हुआ है। सब्जी मंडी में भीड़ ना हो मेनली प्रयास प्रशासन द्वारा डेली यही किया जा रहा है, तो सब्जी कल नई व्यवस्था बनाएंगे, कल व्यवस्था बना रहे हैं, नहीं भिजवाएं राशन दुकानों सब्जियां, ये उपलब्धता का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.